मध्य प्रदेश में खनन माफिया किस तरह से बेलगाम है और किस तरह से खनन माफिया का खौफ हर तरफ पसरा हुआ है, इसका ताजा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया, जहां पर खनन माफियाओं ने एक महिला अधिकारी पर हमला कर दिया और इस हमले का पूरा लाइव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। थाने के अंतर्गत घटना है। हमारी टीम सेंचुरी अभ्यारण्य की टीम और एसएफ की टीम दोनों मिलके चंबल नदी में जो हो रहे हैं अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन के रोकथाम के लिए हम लोग गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर हमें प्राप्त हुआ, जिसको हमारे टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया और उसे देवघर थाने में खड़े करने के लिए लेकर ही जा रहे थे। और मैंने देवघर थाने के TI को फ़ोन किया कि आप आइए और आप आएँ या आपका स्टाफ भेजें, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं और स्टाफ को देखता हूँ, यदि अवेलेबल होंगे तो मैं भेजूँगा। इसके बाद हमारी टीम मतलब चलती रही और वेट भी किया TI का, पर वो आया नहीं और उसकी स्टाफ भी नहीं आए और हम लोग नहर के रास्ते से देवघर थाने के लिए बढ़ते गए। और जब बढ़े तो पठानपुरा एक गांव है, उन्होंने पूरी प्लानिंग से, यानी हम लोग आ रहे हैं उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने पूरी प्लानिंग से रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक कर पूरे गाँव के लोग एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए और हमारी गाड़ियों को और SF के टीमों को और स्टाफ को बिल्कुल खदेड़ने लगे, मारने लगे डंडों से, जो जिससे जो मिल रहा है डंडों से, पत्थरों से, और उनके द्वारा फायरिंग भी बहुत सारी की गई। और इसी दौरान और उन्होंने अपना ये जो जब्त हमारा ट्रैक्टर था। मुरैना में वन विभाग की महिला अधिकारी पर रेत माफियाओं ने हमला किया है। अवैध रेत पर कार्रवाई करने गई SDO श्रद्धा पांडरे पर रेत माफियाओं ने हमला बोल दिया। देवगढ़ थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर 100 से ज्यादा खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो लगातार रिकॉर्ड किया जाता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस पर भी इन खनन माफियाओं को शह देने का, मदद करने का आरोप लगा है। इस ताजा हमले में SAF के कर्मचारी मुकेश हुसैन काफी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर श्रद्धा पांडे अपने साथ ले जा रही थी और इसी पर खनन माफियाओं ने श्रद्धा पांडे पर हमला कर दिया और उनकी टीम इन खनन माफियाओं के हमले के बीच में फंस गई। आपको बता दें कि 2 महीने के भीतर माफियाओं की तरफ से SDO श्रद्धा पांडे पर 8 बार हमला हो चुका है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब स्थानीय पुलिस पर ही इन माफियाओं पर शह देने का आरोप लगा है। यही वजह है कि लगातार ये खनन माफिया अपना सिर उठाए हुए हैं। ताजा खबरों से वाकिफ रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। चला रहे हैं सब भाई, करवा दिया।